यहाँ पे मम पी गई है गिर बेड से। आज का ताजा खबर लीजिए। पापा अभी खाने बैठ गए, पापा को खाना देके झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद नहाने चल जाएंगे। पता है ये वाला ग्लास कौन दिए थे? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ मामाअर्थ का। तो हम इसको बाय किए हैं ट्रेल ऐप से। तो इसका जो इसका नाम है, पहले इसका बोलते हैं, इसका नाम है मामाअर्थ विटामिन सी फेस मास्क, और इसका नाम है विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। हाँ, तो इसमें मामाअर्थ विटामिन सी फेस मास्क के अंदर इंग्रेडिएंट्स है एक्वा, उसके बाद सिटोसिल, एल्कोहल, ग्लिसरीन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, केलोविन क्ले एंड एटसेट्रा। और इसका प्राइस है गाइस 499.01। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा ट्रेल ऐप से तो 284.43, और आप सेविंग कर पा रहे हो 214.58 रुपीस आपका सेविंग हो रहा है। यस गाइस, और ये सब सिर्फ ट्रेल ऐप से आपको मिलेगा। और आपको बता दूं मैं, ट्रेल ऐप एक शॉर्ट वीडियो कम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो चलो ये जो फेस मास्क है इसका यूज आप लोग कैसे करोगे वो बताती हूँ। तो पहले अपना स्किन अनुसार कोई भी फेस वॉश कर ले, उसके बाद मास्क को अप्लाई करे अपना गले में और फेस पर, और 15 मिनट तक सूखने दे। उसके बाद उसको हल्का गर्म पानी से अच्छे से धो दीजिए। और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको हफ्ते में 2 दिन यूज़ करना पड़ेगा ये। तो इसके बाद हम बताना चाहते हैं वे फेस वॉश के बारे में। ये है मामाअर्थ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। इसमें है क्वांटिटी 150 ml। तो इसका इंग्रेडिएंट्स आप बताइए। सारा तो मैं ही बता रहा हूँ। तो गाइस, इनका की इंग्रेडिएंट्स है एक्वा, उसके बाद है इसके बाद ग्लिसरीन और कैप्रिलिल, और बहुत सारा की इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है। और इसका जो MRP है वो है 3399। और आप लोग अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आप लोग ट्रेल ऐप से आप लोग को मिलेगा 246.39 रुपीज में। मतलब आप लोग सेविंग कितना कर रहे हो, 152.61 रुपीज आप लोग का सेविंग हो रहा है। ये सब सिर्फ ट्रेल ऐप से आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं भी इसे अप्लाई, मतलब मैंने मम्पी पे अप्लाई करेंगे इसको, तब फिर आप लोगों को बताते हैं। और हाँ गाइस, आप हमारा जो कूपन कोड यूज करके कैसे डिस्काउंट ले सकते हो वो तो साइड में चल रहा होगा, इधर साइड में स्क्रीन में चल रहा है। तो आप लोग जाओ, जाके देखो कि हमारा कूपन कोड यूज करके कैसे एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं। ये फेस वॉश को अपना फेस पर अप्लाई कीजिए, और उसके बाद सर्कुलर मोशन में इसको मसाज कीजिए। उसके बाद पानी से आप धो दीजिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए अपना फेस को। और ये फेस वॉश आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। और हाँ गाइस, शादी सेलिब्रेशन का मौसम स्टार्ट हो गया है, और ये परफेक्ट टाइम है जहाँ ट्रेल का लिस्ट सेलेक्ट करके ड्रेस या ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में आप खरीद कर अपना फैशन कलेक्शन को नया कर सकते हैं। और ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, मतलब ट्रेल ने स्टार्ट कर दिया है ब्यूटी फेस्टिवल, जहाँ पे ट्रेल दे रहा है ऑथेंटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर, मेकअप एंड बॉडी प्रोडक्ट। और ये आपको अप टू 70% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिलेगा। और गाइज, लेट क्यों करना है यार, इस ब्यूटी सेल फेस्टिवल को हाथ से जाने नहीं दे, जाके ट्रेल ऐप पे भर भर के शॉपिंग करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और हाँ, डिलीवरी फ्री है। और हाँ, एक चीज और गाइज, ट्रेल में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ट्रेल कैश। तो आप लोग चाहे तो ट्रेल कैश के माध्यम में अपना पैसा जमा करके फिर उसी पैसे से ट्रेल में शॉपिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा डकिंग करता हूँ मैं, और मेरी आवाज थोड़ा भारी है, बट माइंड मत करना, मैंने जो बोला है वो चीज। आप लोग लेट ना करके चल जाओ ट्रेल ऐप पर, भर भर के शॉपिंग करो ना, वो भर भर के।
यहाँ पे मम्पी गई है गिर बेड से, आज का ताजा खबर। मेरी बिटिया रानी को रुला रुला के खिला रही थी ये, और ये गिर गई। और हम इसको इसलिए चुप नहीं करा रहे क्योंकि मेरी बेटी को रुलाई आई है। नो प्यार, बेटी कम फर्स्ट। रो मम्मी, अभी क्या हुआ? अभी ये मम्मी खिला रही थी मायरा को, मेरा गला फंसा हुआ, उसको रुला रुला के ऐसे पीट पीट के खिला रही थी। आप लोग कमेंट करो इसमें। उसको मारे? मारे भी वो ऐसे पकड़ी। मेरा खत्म करके बोली हम मारे उसको। ऐसे पकड़ते हुए देखे हम। तो वैसे पकड़ते वो उठा रहे थे उसको, हम एक हाथ इधर पकड़ते एक हाथ गर्दन में। अब झूठ क्यों बोले कि तुम दोनों लोग हाथ गर्दन में? हम जो हाथ गर्दन में देखे थे वही ना बोले। तो एक हाथ गर्दन में था, एक हाथ यहाँ पे था ना। तो हम गर्दन वाला हाथ देख के बोल रहे, तुम काहे पकड़ी गर्दन? फेंक देंगे हम बेड से अभी अपना। ठीक हुआ गिर गई, ठीक मेरा बेटी को मारेगी, ठीक हुआ। बहुत दुष्ट आत्मा हो गई है मम्पी। मेरा आवाज ठीक रहता तो मैं आपको चीख चीख के बोलता। बेड से गिर गई तो गुस्सा दिखा रही है। गिर गया, फेंक दिया हमको मार के, आंसू बोले गिर गया। इतना भारी भरकम मार के फेंक देंगे हम? आप लोग कमेंट करो, कभी देखो इतना खाका पी के इतना मोटा आ गई है, हम इसको फेंक देंगे? गिरे उठा फेंक देंगे। ओ जियार कितना बन रही हो, नहीं मार के फेंक दिया था, देख के लगता इसको मारे। ये देखो हम मारेंगे, मेरा बेटी को मारोगी तो मारेंगे। हम बोले मार के फेंके, धकेल के उन दिया। अभी नहीं बोली मार के फेंके, एक बार भी नहीं बोला कि खुद फेंके, बोले मार के फेंके नहीं बोले। क्या बोली थी शेखर? बोली हमको फेंक दिया। हाँ तो तुम मेरा बेटी को फेंकोगे तो तुमको छोड़ देंगे क्या? इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, इधर उधर छुपा क्यों रही है? इधर देख के बोलो। होशियार बनती है ज्यादा। तो गाइस मेरा आवाज खराब है, आपको समझ में नहीं आया होगा क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, क्यों मम्पी लाइक ऐसे हो रही है। क्योंकि मेरी बेटी को जबरदस्ती ये खाना खिला खिला के मार मार के खाना खिला रही थी ये, बहुत रो रही थी वो, मेरे को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद ऐसे गर्दन पकड़ के उठा दी उसको सीधा, बताओ आपको भी बुरा लगेगा नहीं? तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ से धक्का दे दिया कि भाई तुम मायरा को ऐसा क्यों कर रही हो? झूठ, हमसे आपको मेडल मिलना चाहिए। और देखो ना झूठ बोल रहा, आपको बस मेडल मार मार खिला उसको, चिल्ला रही थी कि खाना नहीं खाएगी इसलिए। ना मार नहीं रही थी भाभी, तू कल नहीं मार रही थी उसको ऐसे ऐसे करके? हम एक बार उसको नहीं मारते है, भले हो तो दांत खींचते नहीं मारते नहीं उसको। दांत खा के बंदर हो गया? कल रील्स देखे थे ना भाभी? हम खिलाएंगे, हम देखेंगे कितना नहीं खाएगा आपको, और उसको दोनों को मार के पीटेंगे। पॉटी साफ हम ही करते हैं, और दूध भी रात कम ही पिलाते हैं, और तो और सुन से सुनते हैं, झूठ सिर्फ सुन रहे हैं। एक बार पॉटी साफ किया, पॉटी साफ करते हैं, और बोलिए बोलिए सुने। तुम पॉटी साफ तो कौन करता है? आपका भूत अभी भी बाहर में घूम पड़ा है, मतलब उसको साफ नहीं किया, मेरा लिया छोड़ दिया। उसको साफ कर लिया, गिर गया था थोड़ा, थोड़ा सा गिर गया था। हाँ। कहाँ पे गिरा था? गिरा के रख दिए, काम तो था उसको, काम तो बढ़ा गया था, और फिर बोलते हैं सीना जोड़ी कर। तुम देखियो साफ कर खिला देंगे, एक वो रील्स बनाई थी देखो जाके, कौन साफ किया कौन साफ किया और क्या करते तो सुनेंगे। बोलिए और क्या करते? बोली कल बोली जिम मत जाओ, जिम नहीं गए। सुनिए हम बताते हैं, सारा काम करके उसको सुनाए कि थोड़ा सा आराम करे, उसको हम उठा रहे थे तो कौन उसको हम संभालता? तो कैसे संभालेगा?
कौन संभालेगा उसको, प्यारी सी नन्ही सी फूल को कौन संभालेगा? तुम उसको डांटती हो। हम उसको डांटे, हम उसको एक बार भी नहीं डांटते, बस खाना खिलाने के टाइम जोर जबरदस्ती खिलाते हैं, और खिलाने के बाद हम कैसे खिलाते सबको पता है। हम उसको मजाक भी करते, उसको हम डांटते नहीं है। उंगली दिखा दी मेरे बहुत अच्छा ये बात, हम उसको डांट के खिलाते हैं, बस वो रोती है, हम नाचते भी है उसको हंसाने के लिए। आपका बेटी का गाना, मेरा बेटी के बारे में कुछ बोलोगी तो अब जब नहीं रहेगा तब कौन बचाएगा उसको? जब तुम दोनों नहीं रहेगा तब कौन बचाएगा उसको? तो उसको ले जाएंगे। मायरा जैसा कर रही हूँ। खाद डालेंगे उसको, छोड़ेंगे। मम्मी गर्म पानी पिलाओ ना। आप पीजिए, अभी बहुत काम करते जाइए, पीजिए। अरे मायरा की बात नहीं, मायरा कौन काम करते? मायरा का, मायरा को दूध पिलाते हैं, मायरा को गोदी लेते हैं, मायरा का पॉटी साफ करते हैं, मायरा के सामने नाचते हैं, और जितना बोले ना उससे डबल गुना मायरा का हम करते हैं। तुम नहीं करते। बाप रे भगवान, हमको उठा लो, हमको टकला कर दो, मार दो, जीना हाथ जीते जीते मार दो हमको। हाँ टकला भी मायरा हमको करती है, बाल पतला कर दिए। मेरा नहीं खींचती है। नहीं तुम मारती हो उसको। झूठ क्या बोल रहा है? हम मारते हैं ना, अभी मारेंगे, देखिएगा। ठीक है, कमेंट में करो आप लोग कमेंट करो, गाइस देख रहे हो ना। आप लोग अच्छे से पता कि मारे हुए मार नहीं सकता, मारते भी नहीं है हम। वो खाते खिलाते टाइम रोती है, पर हम नाचते भी, हम ऐसे भी करते हैं उसको हंसाने के लिए। कैसे करती है? हम वीडियो छोड़ेंगे, आप लोग देखिएगा, हम वीडियोस में हम छोड़ेंगे, हम वीडियो डालेंगे। अभी कैसे करती है दिखाओ एवर हिलाओ ना, लग रहा लिखी ना, अभी नहा के आए हैं, हम छुएगा नहीं हमको। तो समुंदर में नागे नमकीन हो गई है। तो गाइस आज का झगड़ा यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला हम लोगों का, ये रात भर चलेगा, जब तक रात ना हो जाए, फिर अगले दिन सुबह ठीक हो जाएगा। आपको पता है ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं खुद ने, उन्हें क्या बोलते हैं? तुमको समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को समझ में आ जाता है ना। तो फिलहाल अभी टॉपिक ये है कि मायरा को खिलाना है, भूखी है वो, तो चलते हैं मायरा को खिलाते हैं। फिर आप खिलाइएगा। अरे बोलने दोगी हमको? गला में दर्द होता है, बहुत कष्ट से बोल रहे हैं। एक बार आई लव यू बोलो ना, एक बार आई लव यू बोलो ना, आई लव यू। आई लव यू फेंकते कि नहीं? झूठ बोले सच। आई लव यू फेंकते कि नहीं? पागल हो क्या? अब मैंने यहाँ बैठी है, ठीक है, आप मेरा माथा में नहीं हाथ। देखो अच्छी ठीक है, हम गिरे, आप मेरा माथा में नहीं, नहीं हम सुनेंगे नहीं, आप मेरा माथा में हाथ देके बोले कि आप ऐसे करते हैं। कितना झूठ हाथ से करके धकेल दिए। वाह आप इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना मतलब कॉन्फिडेंस है। जब गिर गए तो तब दिखाता ना, कैसे कैसे गिरे थे, कमर में चोट लगा हमको। स्टाइल मारो रे शिखरवा, स्टाइल मारो थी रे हमारे मेहरारू, स्टाइल मारो थी उसकी चमनिया लेती। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और देख आप चैनल पे बने रहिएगा, देखिएगा कौन मायरा को खिलाता है, राहुल या मम्पी। बाय बाय।